दंतेवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में अब महज 2 ही दिन रह गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखी नजर बनाए हुए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, ऐसे में ये दोनों ही दल जीत के लिए एड़ी चोटी का जो लगाने में कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक ने दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी साठगांठ कर सरकार बनाने में माहिर है। बीजेपी लड़ने से पहले ही दंतेवाड़ा उपचुनाव में हार मान चुकी है। नायक की माने तो भाजपा अपने कैंपेन को एक अखबार के माध्यम से एक ही खबर को विभिन्न हेडलाइन लगाकर छापा जा रहा है, जो पेड न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और पेड न्यूज़ के 10 लाख रुपए को भाजपा प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के चुनावी खर्च में जोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा भीमा मंडावी की पत्नी यानी प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के साथ गेम खेल रही है। बीजेपी नेता फील्ड में आकर काम नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ प्रशासन पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। पेड न्यूज को लेकर के हमने यहाँ पर दंतेवाड़ा में रिटर्निंग ऑफिसर को एक शिकायत किया है कि एक प्रतिष्ठित अखबार है, वो एक ही समाचार को 3 अलग-अलग हेडलाइन दे करके उनका विज्ञापन छाप मतलब समाचार को छाप रहे हैं। वो एक तरीके से पेड न्यूज की कैटेगरी में आता है और उसके लिए 10 लाख रुपए ओजस्वी मंडावी जो भाजपा प्रत्याशी उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाए। वहीं किरणमयी नायक के आरोप को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि कांग्रेस सरकार में होने के कारण भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस अपनी हार से विचलित होकर मीडिया को भी नहीं बख्श रही है। कांग्रेस पेड न्यूज़ की यहाँ पर लगातार सरकार में होने के कारण अपने स्तर पर पेड न्यूज़ प्रकाशित करने की लगातार जो कवायद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी विपक्ष में है, पेड न्यूज़ देने का कोई मार्ग ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जहाँ सत्ता की राजनीति में कांग्रेस है तो उनको पेड न्यूज़ ही दिख रही है जो मीडिया अपने स्वप्रेरणा से प्रकाशित करता है, उसको भी यदि पेड न्यूज़ कहा जाता है तो मैं मानता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा अपमान और मीडिया पर बहुत बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस अपने मैंने कहा कि विचलित है, पराजय के डर से सब प्रकार के काम कर रही है, उसका यह अंग है। बहरहाल चुनावी रणनीति में आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों द्वारा लगाना चलता ही रहता है, लेकिन इसका जवाब चुनाव के परिणाम से ही दलों को मिलता है, जो 27 सितंबर को दंतेवाड़ा की जनता से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।